हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण जायका। आज मैं बेसन की मसाले वाली सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये सब्जी पराठा, चावल, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखिए, पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने 2 कप बेसन लिया है, सरसों तेल, 1 छोटे साइज का प्याज बारीक पीस कर, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, पर मैंने इसमें लहसुन ज्यादा लिया है, अदरक कम लिया है। जैसे लहसुन 2 टेबलस्पून और अदरक 1 टेबलस्पून। और ये तड़के के लिए 2 सूखी लाल मिर्च और पीला सरसों और कुछ मसाले। सबसे पहले मैं बेसन से एक पतला घोल तैयार करूंगी। मैं इसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1/2 टीस्पून नमक, ये मैं 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक घोल तैयार करूंगी। ये देखिए घोल तैयार हो चुका है, अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। गर्म हो चुका है, अब मैं 1 टीस्पून के करीब तेल डालूंगी, और ये घोल को मैं इसमें डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच। साइड में तेल डाल दें हल्का। फ्लेम मीडियम होगा, मैं ये पूरा पकना नहीं चाहिए तभी इसे फोल्ड करेंगे। ऐसे रोल करते जाएंगे। ये हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसे निकाल दूंगी। इसे हल्का गीला ही रखेंगे तभी इसका लेयर दूसरे पे ऐसे चिपक सकता है, इसे पूरा पकने नहीं देंगे। देखिए हल्का, मुझे ग्रेवी में भी इसे पकाना है, इसके लिए हमें इतना ही रखना है। इस तरह से मैं सभी बना लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने सारा तैयार कर लिया है, और इसे छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर लूंगी। बहुत छोटा भी नहीं करना है और बहुत बड़ा भी नहीं करना है। मैं 4 टेबलस्पून तेल डाला है, मैं सरसों डाल दूंगी और लाल मिर्च।
हल्का प्याज ब्राउन हो चुका है, मैं इसमें पेस्ट डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन भी भून चुका है, मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। अभी मुझे इसे ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है और इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालना है। क्योंकि इसका ग्रेवी पतला होता है, एक बार हिलाकर देख लें। इसमें थोड़ा और पानी डलेगा, 1/2 कप के करीब और पानी डालूंगी इसमें। और इसे 1 मिनट खोलने दूंगी। अब ये खोल रहा है और 1-1 पीस करके अब मैं इसमें डाल दूंगी। अभी फ्लेम इसका मीडियम करें, फिर आप इसको डालें। इसे बहुत ज्यादा खोलाना नहीं है। इसे मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए वापस खोलाना है। इसको फैला कर डालना है इसे। इसे मैं ढक दूंगी 1 मिनट के लिए। हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें हल्का धनिया पत्ता डालूंगी। और इसे बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, हल्का हल्का इसे मैं इस तरह मिक्स कर लूंगी धनिया पत्ता। अब मैं इसे निकाल लूंगी। देखिए हमारा बेसन का सब्जी तैयार हो चुका है।